अभिषेक भैया का प्यार। अगर हमजा भाई ये ब्लॉग नहीं देख रहे राहुल भाई, तो पर्सनली आपको बता रहा हूँ। जियो। चल रहा है अनहर आदमी के साथ नहीं। गर्दा मचाते हैं, रुकिए ना। हेलो मेरे प्यारे भाई और मेरे देश के नागरिकों, आपका नमन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ अपना राहुल ब्लॉग्स में। तो ये चल रहे हैं हम लोग कोलुआ चौक से, बाउल भाई को उठा लिए हैं और यहाँ से हम लोग चल रहे हैं पूरा मुजफ्फरपुर का थोड़ा राउंड मारने। और राउंड मारना ज़रूरी हो गया है क्योंकि सर्विसिंग ये 45 दिन का खोजता है, 45 दिन से ओवर हो गया है। इसके वजह से सोचे हैं कि थोड़ा सा गाड़ी को आप भगाना चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी बैठा हुआ था बहुत दिन से, दिल्ली चले गए हुए थे तो गाड़ी भी मिस कर रहा था, हम भी गाड़ी को मिस कर रहे थे। गाड़ी सोचता होगा कि भाई मेरा मालिक कहाँ गया, अब ऊपर से ले नहीं रहा है, बहुत दिन से छोड़ दिया हुआ, इसका पैक भी हो गया होगा। तो फिर आके इसको चाट के मुलायम किए, देख रहे हैं कितना अच्छा मुलायम था, तो इसको चाट के मुलायम किया जाएगा, अब थोड़ा बाहर निकाले तो। और बाबुल भाई बैठे हैं आनहर के साथ। आनहर कौन हो गया गाइस, आनहर हम ही हो गए, रात को दिखता नहीं है ज़्यादा, तो इसके वजह से जो सामने से आता है उसको बताना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप, देख रहे गाइस अभी, अरे बाप रे बाप, स्कूटी बहुत दिन बाद दिखाई दिया है, है गिरा उड़ा नहीं दिया भाई। गाइस यहाँ नया नया अपडेट हुआ, देखिए रेड लाइट, हाँ यहाँ पे लोग रुकते नहीं है, बताइए सीधा रेल ले जा रहा है, कोई रुक ही नहीं रहा, बताइए तो हम क्या रुके। गाइस अभी अपडेट हुआ नहीं है एक्चुअली, मतलब जब अपडेट हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि हाँ अपडेट हो गया, अभी तो कोई रुक नहीं रहा है। देखें रोड पर, मतलब वो क्या बुलडेजर वुलडेजर लगा हुआ था, तो इसकी वजह से कोई फॉलो ये नहीं कर रहा है। लग रहा है कितना मिनट पर जाना है, टाइम हुआ तो देख लेते हैं कि टाइम हुआ किधर है। गाय यहाँ पे तो हम लोग फॉलो कर, देख लीजिए चाचा को देख लीजिए, ये ब्रह्मपुरा थाना के सिग्नल में कोई रुक ही नहीं रहा है, किसी को पता ही नहीं लग रहा है कि यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है, किसी को पता नहीं चल रहा है, इतना बड़का लाइट है पता नहीं लग रहा है, गजबाल है, बताइए सब यही बात बोल के चल जाता है, चालू नहीं हुआ। 4 3 2 1 0 हो जा भाई, गार मारोगे नहीं हो रहा है। गाइस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ये अपडेट, हम भी देख लिए यहाँ पे, चलिए फिर चलते हैं। हम लोग ऐसे ही रुक रहे हैं। हाँ ऐसे ही, वो टाइमिंग चल रहा है, गलत चल रहा है, बताइए थाना के पास ऐसा मतलब चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, तो और जगह क्या होगा बताइए। रोड सही हुआ नहीं है, सिग्नल लगा दिया हुआ, बताइए। देखिए हम प्रॉपर तरीके से वहाँ पे रुके हुए थे, टाइम भी देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, आपके सामने था, सीन ही नहीं था कि हाँ ग्रीन होने का, साइड का नहीं था, दूसरा साइड का भी तो होना चाहिए, कहीं का हो ही नहीं रहा था, तो इसीलिए आपको समझ लिया अभी अपडेट नहीं हुआ, अपडेट होगा तो जैसे पेपर में आ जाएगा कि हाँ अपडेट हो गया है, थोड़ा आप पालन करें इस ग्रीन लाइन का, रेड लाइट का, नहीं तो चलान तो कटेगा, सब में बटेगा। और मेन बात है कि एक तो हम साला आनहर, ऊपर से हेलमेट ऊपर नीचे कह ले, चश्मा भी एकदम सटल है नाक पे, बड़ा दिक्कत, सिर लग रहा है फट जाएगा। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव, दिल बहुत प्रसन्न हो गया, जय बाबा जी। सुंदरियों को टोली में हम लोग जा रहे हैं, जहाँ सुंदरियाँ ही सुंदरियाँ यहाँ पे मिलती रहती है, माहौल बना हुआ है क्या, क्या बात, दो मोड़नी उधर जा रही है, एक रोल लेके, हाँ बैठा सकते हैं, एक कान्हा पे एगो, एक कान्हा पे क्या, कहेंगे पैसा लीजिए हम लोग को छोड़िए, 2000 का चलान पर हेड, पर हेड है तो 10000 लेगी ना वो, तो 12000 सोच लीजिए ना, भाई अभिषेक भैया से मिलने और हमजा भाई से मिलने आए, हमजा भाई का तो बाइक इधर लगा हुआ है, गेट भी खुला हुआ है, लेकिन कोई आने को रेडी है नहीं,
कोई दिखा क्या हमको? हाँ कोई तो दिखा। अरे भैया कैसे, अभिषेक भैया नहीं है क्या? हम जा भाई। अच्छा अंदर आ जाए क्या? चलिए अंदर चलिए। गाइस जी ऑफिस में तो पहुंच गए हैं। अरे अभिषेक भैया यार ये चप्पल जूता निकाल ले लीजिए। अरे बाप रे बाप, अभिषेक भैया का प्यार। अभिषेक भैया यहाँ पे टेस्ट ड्राइव लेते हुए, दोनों में डिफरेंट बताइएगा भैया, ये वाला सही लग रहा था कि ये वाला सही लग रहा है, मतलब दोनों में डिफरेंट बताइएगा। आइए ना उधर घूम के। कैसा लगा भैया? बढ़िया, पैसा वसूल हो गया गाइस, पूरा पैसा वसूल है भाई। अगर हमजा भाई ये ब्लॉग नहीं देख रहे राहुल भाई, तो पर्सनली आपको बता रहा हूँ। और अगर हमजा भाई देख रहे हैं तो क्या है लाल पीली गाड़ी लेके आए वो देखो, सफेद सफेदी। हमजा भाई आप जा रहे हैं टेस्ट ड्राइव करने, अभी से कोई तो कर लिया प्रो हीरो 9 है कि 10 है? कैसा लगा बताइए? घूम के आगे गाइस, बहुत मजा आया, बच गए, अभी गाड़ी उल्टा देते हम भाई का। सब आ गया दौड़ते दे जी। तो अभी अभी राहुल भाई मेरे साथ बैठे हैं और ये देखिए जस्ट टोपी गिरा करके आ गए। सामने आइएगा, सामने आइएगा। तो अभी अभी जस्ट ये कैप पहने हैं और ये कैप पहन के पता चल रहा है टोपी गिरा दी है, बताइए। जी अभिषेक जी और हमजा भाई भी आगे चल रहे हैं, कैसे हो जाएंगे देखिए। जो माइला इतना घूर बेइज्जती, अभी दिखाते हैं। ठोकर दीजिए महाराज, बिना दिमाग के साथ चलिएगा। अच्छा इसके साथ दिमाग भी चलाना होता है ना। फर्स्ट ये गाड़ी चलाने में बहुत सारी कठिनाइयां हैं जो हमसे ये ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकता है। सबसे पहली कठिनाई ये है कि हाथ दर्द होने लग रहा है, ये जो रिस्ट है ना, या तो चलाते नहीं हैं इस वजह से, या तो हम ज़्यादा टाइट पकड़ ले रहे हैं इस वजह से। रीज़न पकड़ते होंगे, नया नया माल है तो ज़्यादा दूर से ना पकड़िएगा। अच्छा कहने का अर्थात आप कहाँ पहुँचा दे रहे हैं वो भी थोड़ा देखिए महाराज। शादी नहीं हुआ है बाबूल भाई का, इसीलिए सोच रहे हैं गाइस, देख रहे हैं ना साहब, पूरा एकदम भाभी जी का एकदम पूरा बदनाम करने के चक्कर में लगे हुए हैं। भाभी जी से तो मिलने में बड़ा मजा आएगा शुरू में यार, लास्ट में जाएंगे। भाभी जी बताइए कैसा रहा बाहुल भाई के साथ? हाँ क्या बताएं, आपके भैया जी जो है ना बहुत बढ़िया थे। गाइज वहाँ से तो कंटिन्यू करते हैं, वहाँ से एक्चुअली हम लोग निकल गए थे अभिषेक भैया से मिल के, काफ़ी अच्छा लगा। हमजा भाई से भी मिले और वहाँ से मिलते मिलते देवी मंदिर के पास हम लोग मोमो खाए, मोमो खा के फिर वहाँ से जंक्शन पे गया के, जंक्शन पे जाकर थोड़ा रील उल शूट करवाया। आए थे घूमने मगर पकड़वा दिए हैं अंडा। बच्चा को अंडा हो गया। अभिषेक भैया से मिल गया, हमजा भाई से एक्चुअली घर पे चल गया अचानक से, एक्चुअली पास वास दे रहे थे तो सोचे क्या चीज़ का पास है थोड़ा पता करें, तो एक्चुअली वो एजुकेशन को लेकर कुछ अपडेटेड था तो अभी पढ़ रहे हैं, थोड़ा प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए था, तो वो लोग जाके ले सकते हैं पास उनसे, लिमिटेड ही सीट था तो ज़्यादा पास बचा नहीं था, बस थोड़ा सा पास बचा हुआ था। हमेशा मिलते रहेंगे ऐसे ही, बहुत दिन बाद मिले एक्चुअली जब बाइक निकला था उनका ड्यूक तब हम जाके मिले हुए थे और ये थर्ड टाइम हुआ हम लोग को मिले। अभिषेक भैया को याद था कि हाँ कब कब मिले थे, कैसे कैसे मिले थे, तो वो सब हुआ, बहुत सारा बात हुआ, बहुत सारा ढेर सारा प्यार भी मिला। अभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे, भैया भी बोले कि ज़रूर टाइम मिलेगा तो ज़रूर आइएगा, मिलिएगा ज़रूर। हम लेके हाँ जरूर, अब इस लाइन में है तो जरूर मिलते जुलते रहेगा ही इंसान। बाबुल भाई का अंडा फूट रहा है।